a forceful instruction from the center or Narendra Modi or Amit Shah. पश्चिम बंगाल में पिछले कई घंटों से चल रही ममता सरकार और सीबीआई की जंग में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। शारदा चिटफंड घोटाले में कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट कल सुबह 10:30 बजे सुनवाई करेगा। याचिका में सीबीआई ने कोर्ट से निवेदन किया था कि वो राजीव कुमार को जांच में सहयोग करने का निर्देश दें। साथ ही सीबीआई ने राजीव कुमार पर अब तक हुई इन्वेस्टिगेशन में साथ न देने का आरोप भी लगाया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने का आदेश दिया। साथ ही कठोर शब्दों में कहा, सीबीआई की दलील हवाई लग रही है, सीबीआई साक्ष्य नष्ट करने का सबूत दें। दस्तावेजों से छेड़छाड़ किए जाने पर पुलिस कमिश्नर पर सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस कमिश्नर पर ऐसी कार्रवाई होगी कि ताउम्र पछताएंगे। सीबीआई कोर्ट के सामने दस्तावेज पेश करें। वहीं इस मुद्दे पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से बात की। इसके बाद राज्यपाल ने मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब किया। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में जहां कल सुनवाई होगी, वहीं इस मुद्दे पर पहले राज्यसभा और फिर लोकसभा में हंगामा हुआ और इस पर हर प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। पर हमारा ममता बनर्जी को पूरे विपक्ष का साथ मिलता दिख रहा है। वहीं बीजेपी भी इस मामले में एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रही है। और सीबीआई ममता के झगड़े में राजनीतिक दलों ने अपने अपने हिसाब से गोलबंदी कर ली है। आपको दिखाते हैं 3 मुख्यमंत्रियों के बयान, जिनसे आप समझ जाएंगे कौन कहां किसके साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री जी ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। पहली बात तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल के पुलिस कमिश्नर के यहाँ बिना वारंट के 40 सीबीआई अफसरों के उनके घर में घुसना संविधान और कानून के खिलाफ है। तो पूरे के पूरे देश के संघीय ढांचे के ऊपर ये प्रहार है। ये बात जो हो रही है, सब चीज़ों में तनाव, सब चीज़ें में डिवीजन हो रहा है, बट रही हैं। हमारी जुडिशरी बटी हुई है, हमारा सीबीआई बटा हुआ है, हमारा समाज बट रही है। और इस प्रकार का टकराव किसी प्रदेश के साथ होना, ये केंद्र का दायित्व है कि ये टकराव ना होए। ये सब चीज़ें तो तात्कालिक हैं, कुछ ही दिनों के बाद किसी को ध्यान में भी नहीं रहेगा। इसलिए भी चुनाव का दौर शुरू होने वाला है, उसके पहले का दौर है, इसमें कुछ भी हो सकता है। कहीं क्या होगा इसके बारे में कोई नहीं जानता। जो संवैधानिक व्यवस्था है और जो संविधान का इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उपलब्ध है, जो एक कानून का रूप है, उसके बाद ये सब कोई अब हो सकता है, मुझको नहीं लगता है कि अब ये सब संभव है। सच बात यह कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से घबराकर वहां भाजपा के नेताओं की सभाएं रोकी जा रही है, हेलीकॉप्टर उतरने की अनुमति नहीं दी जा रही है, कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है, जिसको कभी भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। और इसलिए घबराई हुए हैं ममता जी। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक जबरदस्त नाटकीय घटनाक्रम जारी है। कोलकाता में ममता बनर्जी धरने पर ही बैठकर सरकारी फाइलों पर दस्तखत कर रही। उनका यह भी कहना है वो मोबाइल से ही विधानसभा के सत्र को संबोधित करेंगी। इस वक्त कोलकाता की तस्वीर आपको सीधे दिखाते हैं, मनोज्ञा वहां पर मौजूद है। कोलकाता में भाजपा बनाम तृणमूल कांग्रेस की इस लड़ाई ने भले ही अब एक दूसरा नया रूप ले लिया हो, नया आयाम ले लिया हो, लेकिन कल तक जो यहाँ पर बांस और बल्लियों का मंच था वो अब पूरी तरह से तब्दील किया जा रहा है। एल्युमिनियम के ग्रिड्स लग रहे हैं और जिस तरह से तैयार किया जा रहा है, इसका आपको अंदेशा लग जाएगा कि ये अब एक या दो दिन का मंच नहीं है, कई दिनों का मंच है। मंच पर एक के बाद एक बाकी विपक्ष के नेता, बाकी सारे नेता शामिल हो रहे हैं, आ रहे हैं, कोलकाता आ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के काफ़ी सारे नेता आकर बैठे हुए हैं, जिला से, जो दूर दराज के इलाकों से आए हुए हैं। और उसके साथ साथ अगर आपको दिखाएं तो समर्थकों की भीड़, ये शुरुआत है, सुबह से लेकर बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे भीड़ बढ़ रही है, जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोगों के साथ साथ भीड़ बढ़ती चली जा रही है और भीड़ के साथ साथ समर्थकों का आना बढ़ रहा है। स्लोगन के साथ साथ
चारों ओर भले ही पुलिस ने पूरी व्यवस्था की हो ट्रैफिक मैनेज करने की, लेकिन कोलकाता का नज़ारा बदलता नजर आ रहा है। धर्मतल्ला का इलाका है, एस्प्लेनेड इलाका है, सबसे महत्वपूर्ण है, और यही वो जगह है जहां पर एक दशक पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो उस समय विपक्ष में थी, उन्होंने सिंगूर आंदोलन किया था। 26 दिन तक यहीं इसी मंच से आंदोलन किया था और उसके बाद सब कुछ इतिहास है। तो क्या एक बार फिर इतिहास रचने की तैयारी है, एक ऐसा इतिहास जो सिर्फ पन्ने पलटते समय ही बताएगा कि आखिरकार वो रचा कैसे गया था। कैमरा पर्सन तापस बैरी के साथ मनोज गलोई, कोलकाता आज तक। और इस पूरे मामले में कोलकाता के कमिश्नर राजीव कुमार की मां कह रही हैं कि उनके बेटे को राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। नहीं, गलत नहीं करेगा वो, गलत कभी नहीं करेगा, हम निश्चिंत हैं इस बात। तो ये क्या बदले की कार्रवाई है? बदले की भावना है बस। ऐसा क्यों कर रही है सर? अब ये करिए, उसका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया, उसके रैली नहीं करने दी, और क्या हुआ, और क्या बदला बताओ? और फिर बदला जो भी है वो ममता से है, इन्हें तो बिना मतलब फंसा जा रहा है। अब वो क्यों बचाएगा भैया बताओ पहले मुझे, किसी आरोपी का कोई इसका रिश्तेदार बैठा है?